आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिल्पा गुप्ता। दुनिया में गरबा कैपिटल के नाम से मशहूर गुजरात में हर साल की तरह इस बार भी गरबे का रंगारंग कार्यक्रम देखने को मिल रहा है। राज्य में पीएम मोदी की प्रशंसकों की कमी नहीं है। जी हां, अब तो पीएम मोदी को लोगों ने गरबे के रंग में डाल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता जग जाहिर है। भारत समेत पूरी दुनिया में पीएम मोदी की चर्चा है। गुजरात के लोगों में तो उन्हें लेकर इतना उत्साह है कि उन्होंने नवरात्रि के गरबे को पीएम मोदी के रंग में रंग दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं सूरत में हुए एक समारोह की, जहां लोगों ने पीएम मोदी का मास्क पहनकर गरबा किया। सिर्फ बड़े ही नहीं बल्कि बच्चे भी पीएम मोदी का मास्क पहनकर गरबा करते दिख रहे हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह लोग बड़े उत्साह से पीएम मोदी का मास्क पहनकर गरबा कर रहे हैं। समय पारंपरिक पोशाक पहने हुए हैं और लाउड म्यूजिक पर एक दूसरे के साथ गरबा कर रहे हैं। बता दें कि नवरात्रि के दौरान देश भर में गरबा का आयोजन किया जाता है, लेकिन गुजरात में गरबा खेलने का उत्साह अलग ही दिखता है। बता दें कि पीएम मोदी नवरात्रि के मौके पर पिछले दिनों गुजरात के अहमदाबाद में पंडाल में देवी अम्बा के दर्शन के लिए पहुंचे थे। उन्होंने GMDC मैदान में पहुंचकर देवी अम्बा की आरती भी की और लोगों को गरबा करते हुए भी देखा। उन्होंने करीब आधे घंटे तक विभिन्न रंग बिरंगे परिधानों में लोगों को गरबा पर कदम ताल मिलाते हुए देखा। वैसे तो हर साल ही गुजरात में गरबे की धूम होती है, लेकिन इस बार यहाँ कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है। कई लड़कियों ने इस बार जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 35A हटाने के समर्थन में अपनी पीठ पर टैटू बनवाए हैं। इतना ही नहीं, चंद्रयान 2 को लेकर भी काफी उत्साह दिख रहा है। इसके साथ ही हाल ही में लागू हुए मोटर व्हीकल एक्ट के समर्थन में भी लड़कियों ने टैटू बनवाए। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, देखते रहें वीके न्यूज़। शुक्रिया।